हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीबा। आज मैं आपसे बैलेंस डाइट के बारे में बात करने आई। जब भी हमारे बच्चे बीमार होते हैं या हम डॉक्टर के पास विजिट पे जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा हमें कहता है कि बच्चों को बैलेंस डाइट दीजिए। बहुत सी मदर्स कंफ्यूज होती हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। अ बैलेंस डाइट कंसिस्ट्स अ राइट न्यूट्रिएंट इन द राइट अमाउंट, यानी कि हमारे बच्चे को पोषण जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो राइट अमाउंट में मिलने चाहिए। बच्चे का मील हम डिसाइड करते हैं, 3 मेन मील्स होती हैं और 2 हमारे स्नैक्स की तरह हम देते हैं। एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 मेन मील्स हैं और जो 2 मील्स होती हैं यानी कि मिड मॉर्निंग स्नैक्स और इवनिंग स्नैक्स, वो 2 छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं जो हम बच्चों को देते हैं। तो हमने मील को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिन 5 पार्ट के थ्रू हम बच्चे को अपना पूरा न्यूट्रिएंट्स देंगे ताकि उसे बैलेंस डाइट मिल सके। तो बैलेंस डाइट में सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी ही चीजें बच्चों को मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर किसमें क्या होता है, हम कभी बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किसमें क्या होता है और क्या आप अपने बच्चे को बैलेंस डाइट दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। हम सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्विक एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट्स होता है किसमें, चावल में, रोटी में, आलू में, ब्रेड, डोसा, इडली, इन सारी ही चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो हम बच्चे को रोटी खिला रहे हैं, चावल खिला रहे हैं, इडली बनाकर खिला रहे हैं, हम बच्चे को आलू दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। उसके बाद अगर हम फैट की बात करें तो फैट तो वही तेल, घी, बटर, चीज, इन सब में फैट होता है। उसके बाद अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आता है, कि मतलब हमारी बॉडी पे मसल्स बनाने के काम आता है प्रोटीन। आपने सुना होगा जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं वो प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन ज्यादा शामिल करते हैं अपनी डाइट में। तो प्रोटीन किसमें होता है, फिश में, एग्स में, मीट में, पल्सेस में, नट्स में, सीरियल्स में, इन सभी चीजों में प्रोटीन होता है। यानी कि दालें जो हो गई हमारा, नट्स यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स हो गए, मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, इन सभी में हमारे बच्चे को प्रोटीन मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिंस एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स बिल्कुल सिंपल सी भाषा में तो फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाता है। तो इन सारी चीजों में अगर हम ये सारी चीजें अपने बच्चे को दे रहे हैं राइट टाइम राइट अमाउंट में दे रहे हैं तो हमारे बच्चे को पूरी बैलेंस डाइट मिल रही है। अगर आपने ब्रेकफास्ट में बच्चे को दलिया बनाकर दे दिया, या मान लीजिए बच्चे को इडली बनाकर दे दी, डोसा बनाकर दे दिया, तो आपने बच्चे को कार्बोहाइड्रेट दे दिया। उसके बाद अगर हम लंच की बात करें तो लंच में आपने बच्चे को दाल, चावल, ग्रीन वेजिटेबल, सैलेड, ये सब कुछ दे दिया, तो बच्चे का कार्बोहाइड्रेट आ गया चावल से, रोटी से, दाल से बच्चे को प्रोटीन मिल गया, ग्रीन वेजिटेबल अगर आपने बच्चे को सब्जी दी है तो उससे बच्चे को विटामिंस मिल गए। उसके बाद डिनर भी इसी तरह हम कुछ दे सकते हैं। तो हम बच्चे को जब सारी चीजें देंगे तो बच्चे को एक बैलेंस डाइट मिलेगी। और सबसे अच्छा तरीका है कि मिड मॉर्निंग स्नैक्स में बच्चे को फ्रूट दे दें, इवनिंग स्नैक्स में भी हम ऐसा कुछ दे दें कि बच्चे को, अगर आपको लग रहा है कि फैट कम दिया जा रहा है बच्चे को, या प्रोटीन की कमी है दिन भर में, या विटामिंस की कमी है, तो आप उस हिसाब से, जैसे शाम में आप बच्चे के लिए कोई सैंडविच बना सकते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, जो बच्चा नहीं खाता है वेजिटेबल अगर उसके लिए, और आप बच्चे को कुछ कोई ऐसा स्नैक दे सकते हैं जैसे कि दही दे दिया आपने, योगर्ट स्वीट आता है, फ्लेवर्ड योगर्ट आता है वो दे दिया, कोई जूस दे दिया, या थोड़ा सा फ्राइड नट्स दे दिए बच्चे को जिसमें आलमंड, कैश्यू, सारी चीजें दे दी, तो आप बच्चे को बैलेंस डाइट इस तरह से दे सकते हैं। और जब भी आप बच्चे को खाना दें तो आप उसमें देखें कि आपने बच्चे को सारी चीजें दी है कि नहीं। दही जरूर शामिल करें क्योंकि कैल्शियम, हमें पता है दही, दूध और दूध से बनी चीजों से बच्चे को कैल्शियम मिल जाता है, विटामिन डी मिल जाता है, तो दूध जरूर शामिल करें, फ्रूट जरूर शामिल करें, बाकी दाल, चावल, सारी ही ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चे को दें। अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया तो आप उसे फैमिली फूड पर ले आए, उसके लिए अलग से पॉरेज बनाना, उसके लिए अलग से कुछ बनाना, ये ना करके आपका जो फैमिली फूड है उसी में स्पाइसेस कम करके, थोड़ा सा नमक मिर्चा कम करके आप बच्चे के लिए वही चीज़ दे सकते हैं। बाद में आप उसमें नमक मिर्च और ऐड कर सकते हैं। बच्चा ग्रोइंग एज पे, बच्चा बढ़ रहा है, बहुत सारे माइलस्टोन बच्चा कवर कर रहा है, तो बच्चे को बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चे के खाने पे या बच्चे के स्नैक्स पे ज़रूर ध्यान दें कि आप बच्चे को क्या दे रहे हैं। आप कुछ भी नहीं दे सकते, नहीं बच्चे ने चिप्स मांगा है तो चलो चिप्स दे देते हैं, बच्चे ने बर्गर मांगा है तो बर्गर दे देते हैं। और एक पॉइंट, सफेद चीजें जैसे कि नमक, शक्कर, मैदा और मैदे से बनी चीजें, चाहे वो व्हाइट ब्रेड हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो मैगी हो, ये सारी चीजें स्लो पॉइजन में आती हैं। तो जितना कम हो सके व्हाइट शुगर, सॉल्ट,
ये सब बहुत कम कर दें डाइट में, आप खुद भी अपने लिए कम करें और बच्चे को भी दें। स्पेशली ऊपर से शुगर और सॉल्ट स्प्रिंकल करके देना खाना, बहुत से बच्चों को मैंने देखा फ्रूट्स में सॉल्ट स्प्रिंकल करके मदर्स दे देती हैं या शुगर स्प्रिंकल करके दे देती हैं, बहुत गलत है। आप बच्चे को अपने कुछ भी अच्छा नहीं दे रहे, सिर्फ आप स्लो पॉइजन दे रहे हैं बच्चे को। तो बच्चे की डाइट पर बहुत ध्यान दें, दही वगैरह बिल्कुल बच्चे की डाइट में होनी ही चाहिए, कि दही है, सैलेड बहुत सारा, मतलब आपने कैरेट ले लिया, आपने कोकम्बर ले लिया, आपने टमाटो ले लिया, उसका एक छोटे छोटे काट के अपने सैलेड बना लिया। वो मदर्स जिनके बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं, अभी बहुत छोटे हैं, तो आपने क्या कि अलग अलग दालें लेके खिचड़ी उसमें थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल्स डाल दी, खिचड़ी बनाई उसमें घी डाल दिया, उस खिचड़ी में आपने घी डाल दिया तो थोड़ा सा फैट, गुड फैट भी आपने बच्चे की उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद आपने जब ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें डाली तो आपने बच्चे को विटामिंस दे दिया, आपने दाल और चावल का मिक्सचर दिया तो बच्चे को आपने प्रोटीन भी दिया, कार्बोहाइड्रेट भी दिया, और उसके बाद जब खिचड़ी बन गई तो आप उसमें दही ऐड करें तो बच्चे को कैल्शियम भी मिला। तो एक मील में हमें यह ध्यान देना है कि सारी ही चीजें ऐड हो जाए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सारी चीजें उस मील में हो, तब कहीं जाके हमारा बच्चा बैलेंस डाइट ले रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पानी का बहुत ध्यान रखना। आपने हमेशा सुना होगा अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर अ मंथ बट ओनली अ वीक विदाउट वाटर, मतलब कि खाने के बगैर तो इंसान एक महीने तक जिंदा रह सकता है मगर पानी के बगैर सिर्फ एक हफ्ता जिंदा रह सकता है। तो पानी का इनटेक आपको ध्यान देना है कि बच्चा पानी कितना पी रहा है। 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एक दिन में बहुत जरूरी है कि बच्चे को पीना चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा पानी नहीं पी रहा है तो आप उसको लेमनेड दे सकते हैं हनी डालकर, या पानी में थोड़ी सी आप हनी मिक्स कर दीजिए, मीठा भी हो जाएगा, लेमन मिक्स कर दीजिए, लेमन से विटामिन सी मिल जाएगा जो आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आप बच्चे को कोई जूस दे सकते हैं, आप कोकोनट वाटर इज बेस्ट, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, आप योगर्ट दे सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम बच्चों को देना चाहें तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं। आप मतलब आप ऐसे फ्रूट्स बच्चों को दे सकते हैं जिसमें बहुत पानी है, जैसे कि वाटरमेलन है, मास्कमेलन है, आप ऐसे फ्रूट्स दे सकते हैं। तो बच्चे की डाइट पे बहुत ध्यान दीजिए, आप बच्चे को दिन भर में क्या खिला रहे हैं सारी चीज़ें बच्चे की डाइट में है या नहीं, वरना जब हमें राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तभी हमारा बच्चा जल्दी जल्दी बीमार होता है और उसके ब्रेन डेवलपमेंट में, बॉडी डेवलपमेंट में, उसके माइलस्टोन में सब में हर्डल्स आते हैं। तो बेहतर है कि आप बच्चे की डाइट पे बहुत ध्यान दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू डू सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।